नमस्कार दोस्तों, टाइपिंग या टच टाइपिंग क्या होता है? कीबोर्ड की तरफ देखे बिना टाइप करना, क्योंकि अगर हम कीबोर्ड की तरफ देख के टाइप करेंगे तो हमारी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी और हम तेज टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, तो ये टाइपिंग या टच टाइपिंग होती है दोस्तों। और टाइपिंग करने के लिए कीबोर्ड को हमेशा दो हिस्सों में बांटा जाता है दोस्तों, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। जैसे यहाँ पर देखिए, ये वाला हिस्सा लेफ्ट पार्ट है मतलब बाईं ओर, और ये वाला हिस्सा राइट पार्ट है मतलब दाईं ओर। यहाँ से लेकर 5TGB, यहाँ से लेकर दोस्तों जो इधर का हिस्सा है ये हो गया लेफ्ट, और 6YHN इधर, यहाँ से लेकर जो इधर का हिस्सा है ये सारा हो गया राइट पार्ट, मतलब ये जो इधर का हिस्सा है ये राइट, और ये जो इधर का हिस्सा है ये लेफ्ट पार्ट। तो इसको दो हिस्सों में बांटा क्यों गया है दोस्तों? ताकि हमें टाइपिंग करने में आसानी हो। इसके दो हिस्से हैं कीबोर्ड के, और हमारे दो हाथ हैं, दोनों हिस्सों को हम अपने दोनों हाथों से अलग अलग टाइप करेंगे, इसीलिए हमें टाइपिंग करने में आसानी होती है। ये जो लेफ्ट पार्ट है, ये जो लेफ्ट हिस्सा है दोस्तों, इसके सारे बटन हम अपने लेफ्ट हैंड से दबाएंगे दोस्तों, लेफ्ट हैंड से टाइप करेंगे। और ये जो राइट पार्ट है, जो दाईं ओर है, इसके सारे बटनों को हम अपने दाएं हाथ से मतलब राइट हैंड से टाइप करेंगे दोस्तों। टाइपिंग के लिए कीबोर्ड पर चार रोज होती हैं, चार लाइन्स होती हैं। ये देखिए, ये है पहली लाइन ASDFGHJKL, ये पूरी जो लाइन है इसको बोलते हैं पहली लाइन या होम रो। सबसे ज्यादा इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है होम रो। तो ये वाली हमारी होम रो है, ये जो है Q से लेकर P यहाँ तक, ये जो पूरी लाइन है दोस्तों इसको बोलते हैं अपर रो मतलब दूसरी लाइन। Z से लेकर ये पूरी लाइन है जो, इसको बोलते हैं हम डाउन रो मतलब तीसरी लाइन। और ये जो ऊपर नंबरों वाली लाइन है इसको बोलते हैं हम न्यूमेरिक लाइन या चौथी लाइन। ये होम रो, ये अपर रो, ये डाउन रो, और ये न्यूमेरिकल रो। टाइपिंग करने के लिए दोस्तों हमें अपनी दोनों हाथों की सारी उंगलियां होम रो पर रखनी है। पूरी टाइपिंग के दौरान दोस्तों, चाहे हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, पूरी टाइपिंग के दौरान हमारी उंगलियां हमेशा होम रो पर ही रहेंगी दोस्तों। इसे होम रो क्यों कहा जाता है दोस्तों? जैसे होम का मतलब होता है घर, ये जो होम रो है ये हमारी उंगलियों का घर है दोस्तों। पूरी टाइपिंग के दौरान हम अपनी उंगलियां यही रखेंगे, और अगर हमें कोई और अक्षर भी टाइप करने हैं, जैसे ये ऊपर वाले अक्षर टाइप करने हैं, तो यहाँ से टाइप करके हम अपनी उंगलियों को वापस से यही ले आएंगे। जैसे हम अपने घर में रहते हैं, अगर हमें कोई काम है तो वो काम करके हम दोबारा अपने घर में ही आते हैं। कुछ भी अक्षर टाइप करके, चाहे इसके ऊपर है या इसके नीचे, जो भी अक्षर है उनको टाइप करके हमारी उंगलियों को वापस यही आना है। ऐसा नहीं कि हम अपने पूरी की पूरी उंगलियों को या पूरे के पूरे हाथों को उस रो पे या उन अक्षरों पे ले जाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। उंगलियां हमारी यही रहेंगी, जब भी हमने कोई अक्षर टाइप करना है तो उंगलियों को ऊपर या नीचे लेके जाएंगे, ऐसे जब टाइप हो गया तो हमारी उंगलियां वापस से इसी लाइन पर आ जाएंगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, टाइप करने से पहले हम अपने हाथों की उंगलियों को देख लेते हैं कि कौन सी उंगली को क्या बोलते हैं, क्योंकि बार बार इन शब्दों का हम यूज करेंगे आगे वीडियो में। तो ये है मेरा लेफ्ट हैंड और ये है राइट हैंड। ये जो उंगली है इसको हम बोलते हैं लिटिल फिंगर या पिंकी, और ये जो उंगली है दोस्तों इसको बोलते हैं रिंग फिंगर, और इस उंगली को बोलते हैं मिडिल फिंगर, और ये होती है इंडेक्स फिंगर या पहली उंगली हमारी। वैसे ही ये इंडेक्स, ये मिडल, ये रिंग, और ये लिटिल फिंगर या पिंकी। और ये जो हमारे अंगूठे हैं दोस्तों, इनको हम बोलते हैं थंब। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी उंगलियां दोनों हाथों की हमेशा होम रो पर रहती हैं, ये जो एफ है यहाँ पर एक छोटी सी उभरी हुई लाइन बनी हुई है, और यहाँ जे है, जो जे पर भी छोटी सी उभरी हुई एक लाइन बनी हुई है। तो ये लाइन उभरी हुई क्यों दी हुई है दोस्तों? ताकि जब हम अपनी उंगलियों को इस पर रखेंगे, क्योंकि हम कीबोर्ड पर तो नहीं देख रहे दोस्तों, हम मॉनिटर पर देख रहे होंगे, जब हम टाइप करके ऊपर के बटन टाइप करेंगे या नीचे के, जब हम वो अपनी उंगलियों को वापस इस होम रो पर लेके आएंगे, तो ये जो दोनों उंगलियां हैं इंडेक्स फिंगर, ये जो उभरी हुई लाइनों पर टच करेंगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी उंगलियां बिल्कुल सही पोजीशन पर आ गई हैं। इसीलिए जो एफ और जे पर छोटी छोटी उभरी हुई लाइंस बनी हुई है दो। तो चलिए अब उंगलियां रख के देखते हैं दोस्तों। लेफ्ट हैंड की जो उंगलियां हैं दोस्तों, ये जो सबसे छोटी उंगली है लिटिल फिंगर, इसको हम ए पे रखेंगे। ये जो रिंग फिंगर है दोस्तों, इसको एस पे रखेंगे, और ये जो मिडल फिंगर है इसको डी पे रखेंगे, और इसको हम एफ पे रखेंगे। ये ऐसे प्लेस होगी दोस्तों, ऐसे। और जो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर है वो जे पर, मिडल फिंगर के पर, रिंग फिंगर एल पर, और ये जो लिटिल फिंगर है वो सेमी कॉलन पर, ऐसे। और ये जो हमारे अंगूठे हैं दोस्तों, ये स्पेस बार पर। तो ये एक्चुअल पोजिशन ऐसे बनती है दोस्तों, ए एस डी एफ जे के एल और सेमी कॉलन, और अंगूठे हम स्पेस बार पे। एक चीज़ ध्यान में रखनी है दोस्तों, जब आपको टाइपिंग के लिए अपनी उंगलियां रखनी है तो ऐसे सीधी उंगलियां नहीं रखनी दोस्तों, ऐसे टाइप नहीं कर पाओगे आप। आपको अपनी उंगलियां ऐसे मुड़ी हुई रखनी है दोस्तों, ऐसे गोलाई में, ये देखिए, ऐसे नहीं उंगलियां रखोगे आप, ऐसे रखोगे मुड़ी हुई। तो अपनी उंगलियों को गोलाई में रखोगे दोस्तों ऐसे, ताकि आपको टाइपिंग करने में आसानी हो।
और दूसरी बात जो हमारे हाथों के ये हिस्से हैं दोस्तों, ये वाले, ये हमारे ऐसे टेबल पर प्लेस होने चाहिए दोस्तों, ये हवा में नहीं होने चाहिए, इससे हमारे हाथ थक जाएंगे दोस्तों, तो ये टेबल पर प्लेस होने चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, वो क्या है कि टाइप करते वक्त आपको कीबोर्ड पे नहीं देखना, आपका पूरे का पूरा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए, मॉनिटर पे होना चाहिए दोस्तों। या अगर आप किसी पेज से या किसी बुक से टाइप कर रहे हो तो आपको बुक पे वो लाइन पढ़ के और सीधा मॉनिटर पे ध्यान रख के टाइप करना है, कीबोर्ड पे नहीं देखना, मॉनिटर पे देखना है और वो किताब या कॉपी पे देखना आपको। तो हमें ए लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर से दबानी है, और एस रिंग फिंगर से, और डी मिडल फिंगर से, और एफ इंडेक्स फिंगर से, और वैसे ही जे राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर, के मिडल फिंगर, और एल रिंग फिंगर, और सेमीकॉलर ये हमारी लिटिल फिंगर, और जो स्पेस है उसको थम से दबाएंगे दोस्तों। और दूसरा ये जो जी है, जी को दोस्तों हम अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से ऐसे दबाएंगे, और एच को राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से ऐसे दबाएंगे। और स्पेस बार कैसे दबाना है दोस्तों, अपने अंगूठे से, जो भी अंगूठा आपको आसान लगे दोस्तों उस अंगूठे से आप स्पेस बार को दबा सकते हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना दोस्तों, दोनों से नहीं दबाना आपको। अगर आप राइटी हो, राइट हैंड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो तो राइट हैंड के थंब से दबा लेना, अगर आप लेफ्टी हो, लेफ्ट हैंड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो आप हमेशा स्पेस बार को लेफ्ट हैंड के अंगूठे से दबाना दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने एक बार फिर से दिखाया कि ए एस डी एफ हमें लेफ्ट हैंड से दबाने हैं, और जे के एल सेमीकोलन, और एच ये हमें राइट हैंड से दबाने हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि किस हाथ से और किस उंगली से कौन से बटन दबाने। अब देखते हैं कि हमें टाइपिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है। ये हमने होम रो पर हाथ रख लिए दोस्तों, और अब हर अक्षर को हमें 10-10 बार टाइप करके देखना है। जैसे कि ए ए ए मैंने टाइप किया, फिर एस एस एस, और फिर डी, और फिर एफ एस, और अब जे, फिर के, फिर एल, फिर सेमीकॉलन। सारे बटनों को 10-10 बार टाइप करना है आपने, और फिर जी इस उंगली से, और फिर एच इस उंगली से। एक चीज़ दोस्तों अपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कोई बटन दबा रहे हो, जब भी आप टाइपिंग का प्रैक्टिस करना शुरू करोगे दोस्तों, तो जिस बटन को आप दबा रहे हो तो वो अपने मन में दोहराते जाना है दोस्तों। जैसे मैं अब डी दबा रहा हूँ, देखो, तो जब आप डी दबाते जा रहे हो उसको अपने मन में हमेशा दोहराते जाना है, और अपनी उंगली पर भी ध्यान रखना है कि मैं किस उंगली से कौन सा बटन दबा रहा हूँ। इससे वो बटन आपके मन में बस जाएंगे दोस्तों, वो बटन आपको आपकी उंगलियों के साथ फिट बैठ जाएंगे कि कौन सी उंगली से कौन सा बटन दबाना है। और जब भी आपको बटन दबाना है, जैसे मैं जे दबा रहा हूँ, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो जैसे जैसे आप बटन दबाते जाओगे उसको बोल बोल के दबाना है दोस्तों। जैसे देखिए ए ए ए ए ए मैं दबाता गया, फिर एस 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 एस, ऐसे बोल बोल के दबाना है दोस्तों। अब जैसे देखिए डी 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 डी, एस 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 एस, एच 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 एच, जे 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 जे, ऐसे बोल बोल के दबाना है, ताकि दोस्तों आपके मन में वो अक्षर घर कर दें कि कौन सी उंगली से मैं कौन सा बटन दबाता। उसके बाद दो दो अक्षर दबा के देखने दोस्तों। सबसे पहले ए और एस, ए एस ए एस ए एस ए एस ए एस, ये दबा दी दोस्तों। फिर 10 बार इनको उल्टा दबाना है, एस ए एस ए एस ए एस ए एस ए, 10 बार ऐसे दबाना है दोस्तों। फिर तीन तीन दबाना है दोस्तों, ए एस डी ए एस डी ए एस डी ए एस डी ए एस डी, ऐसे दबाना है दोस्तों 10 बार। और फिर इनको उल्टा दबाना है, डी एस ए बी एस ए डी एस ए डी एस ए, ऐसे 10 बार दबाना है दोस्तों। और फिर चार चार दबाना है, ए एस डी एफ ए एस डी एफ ए एस डी एफ, ऐसे दबाए 10 बार। और फिर इनको उल्टा दबाना है दोस्तों, एफ डी एस ए एफ डी एस ए एफ डी एस ए, 10 बार ये दबाना है दोस्तों। और फिर राइट साइड के बटन दबाने दोस्तों, जे दो 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 दबाने दोस्तों, ये भी हमें जे के जे के जे के जे के जे के जे के एस, और फिर इनको उल्टा दबाइए, के जे के जे के जे के जे के जे के जे, ऐसे 10 बार दबाइए दोस्तों। फिर तीन तीन जे के एल जे के एल जे के एल, और फिर इनको उल्टा दबाइए, एल के जे एल के जे एल के जे, 10 बार ये दबाने दोस्तों। फिर चारों जे के एल सेमीकॉलन जे के एल सेमीकॉलन, फिर उल्टे दबाने दोस्तों, सेमीकॉलन एल के जे सेमीकॉलन एल के जे, ऐसे दबाने दोस्तों। बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है दोस्तों कि बटन जो दबाने हैं प्रैक्टिस के दौरान आपको बोल बोल के दबाने, ताकि आपको ध्यान में आते रहें। अब देखिए ये जी एच रहेगी, जी एच जी एच जी एच जी एच जी एच जी एच जी, और फिर इनको उल्टा दबाइए, एच जी एच जी एच जी एच जी एच, फिर आपको ये वाले अक्षर दबाने दोस्तों, एस ए डी सैड एस ए डी सैड, 10 बार ये दबाने दोस्तों। फिर इनको उल्टा, डी ए एस डी एस, इनको दबाना है 10 बार। फिर उसके बाद आपको एफ ए एस एफ ए एस, 10 बार ये दबाने, और फिर इनको उल्टा दबाना है, एस ए एफ एस ए एफ, ऐसे दबाने हैं। और फिर जे ए के जे ए के जे ए के जे ए के, फिर इनको उल्टा दबाना है, के ए जे के ए जे के ए जे, 10 बार इनको दबाना है दोस्तों। और फिर 10 बार ऐसे जी ए एस जी ए एस जी ए एस, 10 बार ऐसे दबाना है दोस्तों। फिर इनको उल्टा, एस ए जी एस ए जी, 10 बार ऐसे दबाना है आपको। फिर आपको
LAG ऐसे दबाना है, फिर GAL 10 बार ये दबाना है दोस्तों आपको, फिर आपको HAS ये दबाना है, फिर SAH 10 बार ये दबाना है, और उसके बाद HAD 10 बार ये दबाना है, फिर इनको उल्टा DAH ये दबाना है दोस्तों, और फिर HAL ये दबाना है, फिर LAH ये दबाना है 10 बार, और फिर JAL 10 बार ये दबाना है दोस्तों, फिर LAG 10 बार ये दबाना है। तो ऐसे दोस्तों एक एक अक्षर को आपको 10 बार दबाना है, फिर उनको दो दो अक्षरों को 10 बार दबाना है, फिर उनको उल्टे करके दबाना है 10 बार, फिर तीन तीन अक्षरों को दबाना है, फिर और उसके बाद चार चार अक्षरों को 10-10 बार दबा के देखना है। बस दबाते टाइम दोस्तों आपको बोल बोल के दबाना है और मन में दोहराते जाना है कि कौन सा अक्षर कौन सी उंगली पे है दोस्तों हमारे। और ये स्क्रीन पर दोस्तों मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं, कुछ अक्षर दिए हैं, इनको आप प्रैक्टिस करना, ये सारे होम रो के अक्षर हैं, इनको बार बार टाइप करना दोस्तों, दो तीन दिन इनको लगातार आप टाइप कीजिएगा बार बार, इससे आपको होम रो पूरी क्लियर हो जाएगी दोस्तों, होम रो आपकी उंगलियों पर बस जाएगी दोस्तों। और जो अगली रो है वो हम दो दिन बाद अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।